परमेश्वर की
और से नियुक्त किया हुआ परमेश्वर की और से अनुशासित किया हुआ मार्ग है. It's a life of relationship which is ordered of God. जो वो ऐसा जीवन है जो एक संबंध से एक संबंध में लगे हुए है जो परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया. Now let us just see this little more clearly. और इसको और भी हम स्पष्टता से. Now turn with me to the book of Genesis chapter 1. और ये उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय को हम देखें. You know we can see this very clearly. हम इसको बड़ी सुस्पष्टता से देख सकते हैं. We read verse 10. और उसकी दसवीं पद में हम देखते हैं. And God called the dry land earth and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. It was good. परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. You know, we can see the Lord repeatedly saying that it was good. और बार बार हम देखते हैं इसी पहला अध्याय के अंदर अच्छा है अच्छा है. We read again in verse 12 towards the last portion and God saw that it was good. और बार बार उसी अध्याय का बार बार पद का आखिरी हिस्सा में देखा है परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. We read again in verse 18. और उसकी 18 पद में हम देखते हैं परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. Verse 21. और उसके 21वें पद में परमेश्वर ने देखा. Verse 25. और 25वें में हम देखते हैं. It goes on. और हम इस प्रकार देखते हैं. And when we come to verse 31, we read like this. और 30वां पद में जब हम देखते हैं. And God saw everything that He had made and behold it was very good. पद में हम देखते हैं तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था किसने बनाया परमेश्वर ने बनाया परमेश्वर उसे जमा सबको देखा कि क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा. He created many things. और बहुत बातों को सृष्टि. And he said it was good. और वो कहा ये अच्छा है. He said it was good. और कहा ये अच्छा है. And then he said let us make man in our own image. और तब परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए. And after having made man. और मनुष्यों को सृष्टि करने के बाद. Towards the end of the chapter we read God looked at everything and he said it was very good. जब परमेश्वर ने अपने सृष्टि के कार्य पूरा करने के बाद जब देखा और कहा कि बहुत अच्छा. In other words, when God said good, one thing that is very clearly we need to understand, when God initiates one thing, it cannot be nothing less than good, beloved people of God. प्यारे लोगों ये सच्चाई को हम समझना है. Yeah. जो कुछ भी परमेश्वर उत्पन्न करता है या सृष्टि करता है जो काम करता है. Yes. और कोई दूसरी बात नहीं हो सकता वो हमेशा अच्छा ही होता है. Yeah, that which is initiated by God, that which is birth and born of his heart, it cannot be nothing, it cannot be anything lesser than good at all. प्यारे लोगों जो परमेश्वर की हृदय की इच्छा के अनुसार जो उत्पन्न होता है जो परमेश्वर की ओर से जो प्रारंभ होता है वो हर एक बात जो है अच्छा का रहित और दूसरा नहीं हो सकता. There was a divine order in all that he made. और जो कुछ भी उन्होंने बनाया उस सब बातों में दैविक नियम है. Everything was in the right direction when he made. और जो कुछ जिस को बनाया उसमें सही. Everything was in its rightful place when he made. और जब उन्हें बनाया वो सही स्थान पर नियुक्त किया गया. Everything had its right relatedness with others. और एक दूसरे के साथ सही संबंध में था. There was a rightful function for all things. और हर एक बात को सही क्रिया का काम था. But we all know very clearly. परंतु हम सब जानते हैं. That state of affairs did not remain for long. और वो इस अच्छा से भरा हुआ वातावरण बहुत समय तक नहीं रहा. At that time when God created everything, जब परमेश्वर ने जब सृष्टि किया उस अवसर पर, there was no contradiction at all. और कोई भी मतभेद नहीं था. There was no friction. और किसी प्रकार की फूट नहीं. There was no unrest. और किसी प्रकार की अशांति नहीं. There was no strain in any way. और किसी प्रकार की दबाव नहीं. Everything was in a restful condition. और हर सब बातें जो आरामदायक था. Everything from God's point of view was beautiful, nice, restful, without any strain. और प्यारे लोग जो परमेश्वर ने जब बनाया परमेश्वर
परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत सुंदर था और आरामदायक था, बहुत अच्छा था, वो बहुत बड़ा था, जो बहुत फलदायक भी था। How great and wonderful could have been that stage of creation? और सृष्टि का उस वातावरण कितना अद्भुत होगा, थोड़ा ध्यान से सोचिए। But then what happened? परंतु क्या हुआ? We know that that good condition did not prevail for long. और वो वातावरण मनुष्यों के जीवन में हमेशा न रहा। But then came the sin of man, and because of sin, disruption came to that order. और प्यारे लोगों, जब पाप मनुष्यों के जीवन में प्रवेश हुआ, जब मनुष्य पाप के अधीन हुआ, इसका सारे भंग हो गया। There came disruption in every realm. और हर वातावरण में एक भंग आया। There was a disorder in every place. और हर बातों के अंदर एक अनियमितता आया। The harmony was destroyed. और जो सराहना, जो एकता जो है, वो सब और टुकड़ा टुकड़ा हो गया। There was conflict from that time. और उस समय से एक फूट आ गया। There was no rest from that time. और उस समय से एक अशांति वातावरण। Everything was governed by disorder and disruption. और हर बात जो है अनियमितता तथा और जो धोखेपन ने शासन करना शुरू किया। And we can see them today all over around us and even in our lives. और प्यारे लोगों, ये सारी बातों को हमारे जीवन की चारों ओर देख सकता है, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बात देख सकते हैं। We can see disruption of relationships everywhere. और हर जगह पर हम देखते हैं हमारे जो आपस में जो संबंध है उसमें बड़े भंग हुआ है। So what we can really understand and see here is, और इसमें हम क्या समझ सकते हैं, वास्तविक God had set everything in a divine order at the time of creation. जब परमेश्वर ने सृष्टि करने के अवसर पर और सब बात को एक ईश्वरीय नियम में रखा था। In other words, और दूसरे शब्द, when God brought for something, it was in order, it was with no conflict at all, it had no strain, it was something that was very good in the sight of God. जो जब परमेश्वर ने जो कुछ भी आरंभ किया उस अवसर पर, वो शांतिदायक था, उसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं और कोई किसी प्रकार की गफलत नहीं था, अनियमितता नहीं था। There was no disorder. और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं। There was no disruption of relationships. और या आपस की संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। There was no strain. There was no conflict at all. और एक दूसरे के बीच कोई दबाव नहीं था या फूट नहीं था। But when man went away from God, जब कब मनुष्यों ने परमेश्वर के संबंध से विच्छेद हो गया, we know that all these things came in. और हम जानते हैं ये सारी अनियमितता, गफलत सब प्रवेश हो। Now listen carefully. याद से सुनिए। Now from that time onwards until now, उस समय से लेकर अब तक, God is bringing all those things into God's eternal collective lives. और परमेश्वर ने उसी समय से लेकर आज तक सारी बातों को हमारे सनातन की सुधार की मार्ग पर ले आ रहा। You know, God is wanting to bring everything to its corrective line and according to His eternal purposes. जो अपने सनातन उद्देश्य के अनुसार सारी बातों को उस सुधार के मार्ग पर परमेश्वर लाना चाहते थे। And we know that this disruption, conflict, and strife and disorder can be seen in your life and my life also. और हम अपने मेरा जीवन में, आपके जीवन में भी इसी अनियमितता, इसी और इसी प्रकार की फूट, मतभेद और संबंध में और मोटापन, ये सारी बातें। Man is in all disorder everywhere. और जो मनुष्य जो है हर जगह पर और अनियमितता में पाया जाता। This is related in every sphere of man's life. मनुष्यों के जीवन की हर वातावरण में और हर वातावरण के साथ ये संबंधित है। It can be reflected and seen in what he creates, what he rules, what he has brought forth over the years. और इतने वर्षों से मनुष्यों ने अपने भ्रष्ट बुद्धि से जो कुछ भी उन्हें आविष्कार करके लाया है या उत्पन्न किया, उन सारी बातों में इस अनियमितता को हम देखते हैं। Beloved people of God, listen carefully. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए। If God wants to bring all things under the corrective lines and His eternal purposes, which He purposed in the beginning, जो परमेश्वर ने आरंभ में जो उन्हें निर्णय के अनुसार सारी बातों को सनातन उद्देश्य में लाने के लिए सुधार की मार्ग में ले आने के अवसर पर, First of all, God has to bring man into the corrective lines. और सर्वप्रथम
मनुष्य को जो है अपने सुधार की मार्ग में If the disruption and the disorder came into being because of man, the restoration and the corrective lines can only be brought forth when man is first of all brought into that union and into that corrective lines, even as God had intended from the beginning. और प्यारे लोगों, अनिवार्यता किसके द्वारा, किसके माध्यम से प्रवेश हुआ है? मनुष्यों के द्वारा. इसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर की, परमेश्वर ने जो अपनी सृष्टि के आरंभ में जो उन्हें निर्णय किया, उस सनातन उद्देश्य के अनुसार सारी बातों को, उसकी सारे सृष्टियों को उस सुधार के मार्ग में लाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जो जिस मनुष्यों के द्वारा इस समस्त वातावरण में जो अनिवार्यता आया गया है, उस मनुष्य की जीवन जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के व्यवहार से, परमेश्वर की अधीनता में एक सुधार के मार्ग में आना. First of all, man has to be restored. सर्वप्रथम मनुष्य जो है उसको सुधार होना. And my disorderly life has to be brought into an ordered life by the Holy Spirit of God. मेरा और आपके अनियमितता जो जीवन जो है, पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा परमेश्वर की उस सुधार मार्ग पर आना. We read the book of Romans chapter 8. और रोमियों की पत्री आत्मा अध्याय. It says that very clearly the whole creation is groaning for one thing, and that is for man to come into that union with his God himself. और जो सारे सृष्टि है ये बात को अपेक्षा करते हुए प्रसव की पीड़ा से तड़पते रहते हैं, और वो इस बात पर उनकी पीड़ा जब खत्म हो सकता है, जब मनुष्य जो पाप में डूबे हुए अनियमितता में, फिर अनियमितता में फिरते फिरते रहने वाला उस मनुष्य जो है परजीवी परमेश्वर के साथ सुधार में संबंध में वापस आ जाए, तब उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाए. Let me ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछूं. In order to bring man into the corrective lines, God has instituted something. मनुष्य को सुधार मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बात को नियुक्त किया. You know what it is? और वो क्या क्या? And that is the house of God. और वो है परमेश्वर का घर या परमेश्वर का भवन. The house of God stands as something initiator, birth of God, for showing us the realms of the heavenlies, an ordered life, a life which God desires. And it is there that our disorderly, our unruly, our unrelated lives are brought into the right relationship and order. प्यारे लोगों, परमेश्वर के घर जो है, परमेश्वर का उस स्वर्गीय वातावरण, उस स्वर्गीय सुंदर नियम और एक शांति का वातावरण को प्रवेश करने वाली बात है. yeah. जब मनुष्यों के सामने परमेश्वर ने बनाए हुए बना रहा है तो उस भवन के द्वारा इस बात को उन्हें दर्शन प्राप्त करने के बाद यह मनुष्य की उत्तरदायित्व है अपने अनियमितता की जीवन, जो अपने स्वार्थ की जीवन, स्वयं विचार की जीवन, जो भलवा की स्वभाव प्यारे लोगों, परमेश्वर की दैविक नियम को या परमेश्वर की दैविक इच्छा को हम मनुष्य नहीं बदल सकता है, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार मैं और आप बदलना है. Our lives need to change. हमारे जीवन जो है वो बदलना है. The house of God is initiated and brought forth, and there we see the divine order of God set up. और जो परमेश्वर का भवन, जो परमेश्वर का घर, जो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया है, और जहां परमेश्वर का नियम स्थित है. And it is there I am brought in. और उधर उस जगह पर हम लाया गया. The Lord brings me to that house. प्रभु ने हमको उस घर में लाया. And when I see God's divine order,
God's divine will, it is my life that need to be conformed to that mind and will of God in the house. यारे लोगों, यहाँ परमेश्वर भवन के अंदर परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का इच्छा जो प्रकट होता है, जिस बात को परमेश्वर की भवन में प्रवेश करने के द्वारा हमने देख लिया है, तो मेरा जीवन उस सनातन परमेश्वर का सिद्ध इच्छा के अनुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है. A true church today will be a place where you and I can come and know the divine standards of God, and we can be changed in every area of our life. Oh my.